ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले, अब यहीं पर गुरु महाराज ने क्लॉज लगा दिया। भक्त तो एक नहीं अनेक होंगे, साधन सत्संग जा पाठ करने वाले अनगिनत हो सकते हैं, परंतु उस धाम की प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्नशील हैं। अन्यथा देखा गया है ऐसे भक्तों की अधिकता है जो कहां पर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल स्नान किया, कामकाज पर जाने से पहले किसी भी मंदिर में गए, घंटी बजाई, मस्तक झुकाया, अपनी इच्छा अनुसार, भावना अनुसार, रीति अनुसार जल पत्र अर्पण किए, मस्तक झुकाया और अपने कामकाज पे निकल गए। बस इतने में ही अपने आप को भक्त और सात्विक वृत्ति के वे समझने लगते हैं। अब इससे ऊपर परमेश्वर के नाम का जाप, और जाप की भी जो स्टेजेस हैं उसमें से आगे निकलना चाहता है। जाप ही नहीं होता, जाप होने लगे मन नहीं लगता, मन लगता नहीं या लगाने का प्रयत्न नहीं करता, इन दोनों में भिन्नता है। एक व्यक्ति केवल नमस्कार किया, जल फूल अर्पण किए, पत्र अर्पण किए अथवा नमस्कार किया, बस यहीं पर संतुष्ट है, वह मन लगाता ही नहीं। परंतु एक साधक ध्यान में बैठने का प्रयत्न करता है, मन लगाता है, ध्यान में बैठने में प्रयत्नशील है, दोनों में अंतर है। एक लगाता ही नहीं, एक लगाने का प्रयत्न तो करता है पर लगता नहीं। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले, अब वह अधिकतर चाहवान ही नहीं है। अब जो चाहवान है भगवान उनकी स्थिति का वर्णन करते हैं। मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है। अब उसका प्रत्येक कर्म योग, उस ब्रह्मधाम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अब उसका प्रत्येक कर्म हर एक कदम बड़े फूंक फूंक कर होगा। जबकि जो इस योग पर उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता, उसका कर्म करने का ढंग भिन्न होगा। सुबह मंदिर चले गए, मत्था टेक दिया, अब उसके पश्चात उसके कर्म कलाप रजोगुनी और तमोगुनी भी हो सकते हैं अपने लाभ के लिए, मेरा लाभ हो। जबकि
इस योग पर ऊंचे पद पर चढ़ने वाला वह अपने कर्मों का निरीक्षण करता रहता है कि मेरा कोई कर्म गलत ना हो जावे। दोनों में अंतर है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है। अब उसका प्रत्येक कर्म बड़े भावना के साथ होगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, राम राम करता हुआ उठेगा। जो इस मार्ग पर नहीं होगा वह अपने कारोबार और नाना परिवार में लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ भी किसी तरह भी उसके भाव रहेंगे। और इस मार्ग पर चलने वाला राम राम करता हुआ उठते ही गुरुदेव को नमन, स्वामी जी महाराज को नमन, श्री राम को नमन, वह मन में राम 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 करता हुआ वह उठता है। अब बहुत ऐसे साधक हैं उन्हें भावना रहती है अपने ही बगीचे में अपने ही गमले में फूल वह तोड़ कर ले आए उसको रख लिया तो वह मुरझा नहीं जाए, ऋतु के अनुसार उसका रख रखाव भी ऐसा, फिर उसका माला बना दी बड़े भाव चाव से कि मैंने पूजन करना है तो वह माला चढ़ाई गई। जब तक वह माला नहीं चढ़ा लेता तो वह उसको ध्यान रहता है कि फूल खराब ना हो जाए मुरझा ना जाए, परंतु जब उसने माला चढ़ा दी अब वह निश्चिंत हो जाता है। इसी प्रकार संसार के काम भी इसी प्रकार से होते हैं। एक किसान अपने खेत को संवारता है, उसमें बीज बोता है, उसकी रक्षा बहुत करता है, ऋतु अनुसार उसको जल और खाद इत्यादि देता है, नित प्रतिदिन अपने प्रातःकाल खेतों में जाता है, संवारता है और उसको पशु पक्षियों से बचाता है। फसल पक गई, अब उसकी चिंता कम होने लगती है। जब तक खेत फलीभूत नहीं होता तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी सुख आराम का त्याग करना पड़ता है। फसल पक गई अब उसको संभालता है, जब संभाल करके अपने घर में ले आया गोदाम में रख दिया अब वह निश्चिंत हो जाता है। अब वह निश्चिंत हो गया, अब जो नित कर्म का साधन था उसका खेतों में जाना उसको संवारना पानी देना और रक्षा करना, अब उससे वह नित कर्म उसका अब वह नहीं कर रहा। क्यों? अभीष्ट पदार्थ की चाह जिसके लिए वह कर्म कर रहा था उसकी वह प्राप्ति कर चुका है। यही हालत साधक की है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती, नित प्रातः सत्संग जाप पाठ सेवा प्रत्येक साधन में दत्त चित बना रहे, जब एक बार प्राप्ति हो गई फिर वह निश्चिंत हो जाता है। अब उसके कर्म कलाप उसके स्वभाव के कारण, स्वभाव के कारण वह कर्म कलाप तो करता है परंतु अब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। जिस प्रकार देहरादून में श्री स्वामी जी महाराज से मासी कलावती ने कहा, स्वामी जी महाराज चार फूल मैं प्रतिदिन चढ़ाती हूं तो जब मैं प्रातःकाल चढ़ा करके मैं अपने कामकाज से फारिग होकर ध्यान में जाती हूं तो चारों फूल गायब होते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? मासी जी
मैं तो जाप के कमरे में ध्यान में बैठता ही नहीं, मैं तो अपने कमरे में ही बैठ जाता हूं। क्यों? अब स्वामी जी महाराज को जिस अभीष्ट चाह थी प्राप्ति की, 1925 से 1928 रात दिवस एक करके साधना की थी योग की प्राप्ति के लिए। जब वह प्राप्ति हो गई, अब वह कहीं पर भी बैठे, अब मिलन हो गया, वन में रहे, घर में रहे, पूजा के स्थान पर रहे, एक ही बात होगी। जब तक योग की प्राप्ति नहीं हो जाती, साधक कर्मशील बना रहना होना अनिवार्य है। होता क्या है, आजकल मौसम अनुकूलित है, सत्संग में आना, बड़ी लगन से प्रीति से इस ज्ञान को सुनना। अब आगे चलकर सर्द ऋतु आ जावेगी तो ये अपना नित कर्म मानव इसमें शिथिलता आकर छोड़ने लगेगा। एक महीना दो महीने छोड़ा, अब दोबारा से पहली श्रेणी से आरंभ करना पड़ेगा उसे। जब तक योग की प्राप्ति नहीं हो जाती, अगर बीच में शिथिलता आ जावे तो एक दिन का नागा भी हानि किया करता है। योग के ऊंचे पद पर चढ़ना चाहने वाले मननशील मुनि के लिए कर्म करना साधन कहा जाता है। यह उसका साधन है प्रत्येक कर्म योग की प्राप्ति के लिए, और उस योग रूढ़ के लिए, योग में स्थिर के लिए। जब तक वह स्थिरता नहीं प्राप्त कर लेता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता, शांति साधन कहा है। शांति कब प्राप्त हुई? जब किसान को अपनी फसल प्राप्त हो गई, अब वह शांत हो गया। जब वह कर्मरत था तब उसे चिंता भी थी कि मेरी फसल नष्ट ना हो जाए, समय के अनुसार कहीं प्रकृति में कोई ऐसा प्रकोप ना आ जावे कि मेरी फसल नष्ट हो जावे। इसी पर